हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और आज हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए 10वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें कि मैंने 100 प्रश्नों को शामिल किया है और सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा होगी। छठ के कारण 2 दिन का गैप भी हो गया और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, अथर्व वेद। अथर्व वेद की गणना त्रयी में भी नहीं होती है। 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिला के त्रयी कहा जाता है। ठीक है, सभा समिति और विदत नामक संस्थाएं जो होती थी वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, जिसमें कि सभा जो होता था वो कुलीन अथवा वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें कि उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भाग ले सकते थे। समिति सर्वसाधारण की सभा थी। इसके अलावा विदत, विदत में युद्ध की लूट का वितरण इसमें किया जाता था, युद्ध में जो माल लूटा जाता था उसका वितरण किया जाता था विदत में। ठीक है, विदत। दूसरा प्रश्न, संविधान का निर्माण कार्य जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने से शुरू हुआ, यह कब पेश हुआ था? ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। विभाजन पर किसने कहा था, कांग्रेस नेतृत्व ने राष्ट्रीय आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया? ऑप्शन बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफार खान। इन्हें बादशाह खान, बाचा खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया। इसके अलावा खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की भी स्थापना की थी और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान किसने भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली ने। इन तीनों ने भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। राम मनोहर लोहिया जो है उषा मेहता द्वारा गुप्त रूप से चलाए जा रहे कांग्रेस रेडियो पर नियमित प्रसारण करते थे। सावित्रीबाई फूले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन उनके बारे में दिया गया है। उनका बाल विवाह हुआ था। उन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षक कहा जाता है। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना बलात्कार पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए की थी और उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर प्रथम महिला स्कूल की स्थापना पुणे में की थी। कौन कौन सा कथन जो है चारों में सत्य है? ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों ही कथन सत्य है। किसे दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है? मनु को प्रथम हिंदू विधि निर्माता माना जाता है। छठा का सही उत्तर ऑप्शन सी आप स्तंभ। दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं होता था? ऑप्शन डी हो जाएगा, वजीर उसमें शामिल नहीं होता था। बाकी तीनों होते थे, अमीर कोही, अमीर हाजी और सदर उल सुदुर। निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक राजपूत मां से जन्मे थे? ऑप्शन सी जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर की मां का नाम जोधाबाई। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना और सही कूट का चयन करना। एक तरफ दिया गया है शिवाजी के रिलेटिव का नाम, दूसरी तरफ रिलेशन दिया गया है। नौमा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जाधव राव उनके मामा थे, मलोजी भोसले उनके दादा थे, शाहजी भोसले पिता और जीजाबाई उनकी माता का नाम था।
कथन है शिवाजी का अष्ट प्रधान वास्तव में एक मंत्री परिषद नहीं था। कारण उनके पास कोई सामूहिक उत्तरदायित्व तो नहीं था, सिर्फ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो था। कौन कौन से कथन सत्य हैं ये हमें चुनाव करना है। दस का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित को उनके निर्माण काल के अनुसार सही अवरोही क्रम में सजाएं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। सबसे पहले कुतुब मीनार 1193, तुगलकाबाद का किला 1321, फतेहपुर सिकरी 1571 अकबर के द्वारा। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें तीन और मंजिल जोड़े थे, ठीक है। इल्तुतमिश ने तीन और मंजिल जोड़े। इसके बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने पांचवी और आखिरी मंजिल का निर्माण किया था। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? ऑप्शन बी वानवट के हर्षचरित से, जो कि वानवट उसका दरबारी कवि था, उसने हर्षचरित और कादम्बरी नामक दो ग्रंथ लिखे थे। और भी ग्रंथ लिखे थे लेकिन ये दोनों ज़्यादा फेमस थे, हर्षचरित और कादम्बरी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? ऑप्शन डी हो जाएगा चोल कला। सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से पता चलता है? ऑप्शन डी मुहरों के द्वारा, मुहर होते थे। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऑप्शन सी गुलबदन बेगम ने, यह बाबर की बेटी थी और इसके अलावा यह जो है हुमायूं की बहन थी। इसका जन्म हुआ था 1523 में, मृत्यु 1603 में। गुलबदन बेगम बहुत ही प्रतिभाशाली महिला थी, उसने अपने भाई हुमायूं के जमाने का विवरण एकत्र करके हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा में उस समय के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और उसने यह अकबर के आदेश पर लिखा था। वेवगत सिद्धांत के अनुसार मिलाए गए राज्य और उनके हड़पे जाने के वर्ष के संबंध में, ठीक है यहाँ पर वर्ष हो जाएगा, हड़पे जाने के वर्ष के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन डी हो जाएगा, नागपुर का विलय किया गया था 1854 में। बाकी सब सही है, झांसी 1853, संबलपुर 1849, अवध का 1856, कुशासन के आधार पर, कुशासन का आरोप लगाकर। 1857 के विद्रोह के आरंभ में भारतीय सेना में भारतीय सिपाही और यूरोपीय सिपाही का अनुपात क्या था? ऑप्शन सी 6:1 था, मतलब 6 भारतीय तो 1 यूरोपीय। 1857 के विद्रोह के बाद इसे घटा के कर दिया 2:1 बंगाल में और मुंबई और इसके अलावा मद्रास प्रेसिडेंसी में से कर दिया गया 3:1। गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कराने में निम्न में से किसने मुख्य भूमिका अदा की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेज बहादुर सप्रू और पुपुल जयकर ने। गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज मतलब आसान करने के लिए 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित हुआ था, जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन प्रस्तावित था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। निम्न में से कौन सा पूंजीपति कई वर्षों तक कांग्रेस का कोषाध्यक्ष रहा और 1930 में जेल गया? ऑप्शन बी जमनालाल बजाज। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा ट्रेजरी बिल इसको कहा जाता है। प्रतिस्पर्धी माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन डी नीति संरक्षण नीति। मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है? ऑप्शन डी उनकी आय की क्रय शक्ति। सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी राजकोषीय नीति। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें बहुत सारी फर्में एक जैसे माल का उत्पादन करती हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। कोयम्बटूर, मदुरै औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन सी कोक उत्पादन उद्योग। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये लेटेस्ट आंकड़ा है। ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्सिको। सुगंधित एवं औषधीय पौधे के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शन डी राजस्थान। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण मतलब ट्री कवर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन बी 2.85%, मतलब ये कुल है 9.38 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 93,815 वर्ग किलोमीटर। हृदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन दिए गए हैं। 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया, इसके द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार 500 करोड़ का वित्त इसमें प्रस्तावित किया गया था और इसके तहत 15 शहरों का चुनाव किया गया। कौन कौन से कथन सत्य है मतलब असत्य है, कौन सा कथन जो है असत्य है गलत है इसमें? 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल चौथा कथन असत्य है। ठीक है, इसके तहत 12 शहरों का चुनाव किया गया जिसमें कि वाराणसी, अमृतसर, वारंगल, अजमेर, गया, बिहार से केवल एक है गया, मथुरा, कांचीपुरम, वेल्लानकिनी, अमरावती, द्वारका, बादामी और पुरी। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधानों की संस्तुति किस आयोग ने की थी? ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे और 42वें संविधान संशोधन को कुछ लोग मतलब कुछ विद्वान जो है लघु संविधान की संज्ञा भी देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। आपात उपबंध की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 से 60। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को तीन भागों में बांटा गया है, राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 में पड़ता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता मतलब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये लगाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51, और यह संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? ऑप्शन डी तेलुगु। भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन सी केवल संसद के द्वारा। किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी नहीं है?
ऑप्शन ये हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक, बाकी सब पे है नए राज्यों का निर्माण, धन विधेयक, संचित निधि से व्यय। विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से, कनाडा से यह लिया गया है। पंचायती राज को किस में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य सूची में। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित संशोधन कौन सा है? ऑप्शन बी 79वां संविधान संशोधन। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ऑप्शन सी डेन्यूब नदी। किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में है? किलिमंजारो। ऑप्शन ए हो जाएगा तंजानिया में। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू क्या हो सकता है? ऑप्शन डी हो जाएगा सभी कुछ इसमें हो सकता है। समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है और तट रेखा में भी परिवर्तन हो सकता है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? ऑप्शन बी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वर्ष 1986 में सबसे पहले तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में संयुक्त रूप से नीलगिरी क्षेत्र में जीव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, टाइगर रिजर्व है ये। रासायनिक कारकों जैसे ऑक्सीकरण, जलीकरण और कार्बनीकरण के कारण चट्टानों के कमजोर और ढीले पड़ने की क्रिया किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा डीकम्पोजिशन, मतलब वियोजन। और भौतिक अपक्षय जो होता है, मतलब कि वेदरिंग, इसके कारण जो होता है भौतिक अपक्षय उसको कहते हैं विघटन, लेकिन रासायनिक वेदरिंग को कहा जाता है वियोजन, मतलब डीकम्पोजिशन। एक खगोलीय एकक किसके बीच की औसत दूरी है? ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ठीक है, और 23.5 डिग्री साउथ जो होता है उसे मकर रेखा कहा जाता है। प्रमुख यामी उत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर होता है। मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फसल को बोया जाएगा? ऑप्शन डी चना या फलीदार फसल, दलहन के फसल चना मटर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किस नदी परियोजना पर बनाई गई है? ऑप्शन बी रिहंद बांध परियोजना पर। झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई है, बांध के पीछे में यह बनाया गया है। रिहंद परियोजना मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। निम्नलिखित में से गलत की पहचान करें। ऑप्शन ए ही गलत है, अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे है, बाकी सब सही है। मानसून पूर्व वर्षा के स्थानीय नामों के संदर्भ में गलत जोड़े का चुनाव करना है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में आम्र वर्षा नहीं होती बल्कि इसे कहा जाता है केरल में आम्र वर्षा या मैंगो शावर, कर्नाटक में इसे कहा जाता है कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम, बंगाल में काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है और कुछ जगह पर इसको नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। मानसून पूर्व वर्षा औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 10% होती है। अलग अलग जगहों को इसे अलग अलग स्थानीय नाम दिया गया है। लोनार झील जो उल्का पिंड के गिरने से बनी एक क्रेटर झील है कहाँ पर है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में। कावेरी नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए
पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से। निम्नलिखित में से किसकी गणना विश्व की नवीनतम स्थलाकृतियों में की जाती है? ऑप्शन बी मध्य अटलांटिक कटक। दोस्तों आज मैं गांव से ही शूटिंग कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है कुछ वॉइस का आज प्रॉब्लम हो। मैं कोशिश करूंगा कि ना आए, लेकिन हो भी सकता है। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? ऑप्शन बी बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को। यह अलास्का रूस में स्थित है। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन डी मैकमिलन। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन बी उत्तल लेंस। इसमें दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, इसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। आकाश का नीला रंग किसके कारण प्रतीत होता है? ऑप्शन सी डिस्पर्शन या प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन होता क्या है? प्रकाश का अत्यंत सूक्ष्म कणों से टकराकर बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं या 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सूर्य का प्रकाश पहले तो उजला होता है, मतलब वाइट होता है, लेकिन जैसे ही वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तभी उसका सामना जो है धूल के अत्यंत सूक्ष्म कणों से होता है। ये सूक्ष्म कण प्रकाश से टकराकर उसका डिस्पर्शन कर देते हैं। और चूंकि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन मतलब डिस्पर्शन जो है नीले रंग का होता है, जिससे कि नीला रंग सारे आसमान में ज़्यादा बिखर जाता है और शेष रंग कम बिखरते हैं, इसीलिए नीले रंग का प्रकीर्णन जो है ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी परवलयाकार। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी झंझावत या तूफान इसी को कहा जाता है। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? ऑप्शन डी सुक्रोज। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.2 प्रकाश वर्ष। यहाँ पर प्रकाश वर्ष होगा, वर्ष नहीं। हमारे सूरज के बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, और प्रोक्सिमा सेंटोरी की पृथ्वी से दूरी है 4.24 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो इतना समय लगेगा। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति या C14 पद्धति, सब इसी को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाश्म का आयु पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रोंकाइटिस किसका रोग है? ऑप्शन डी यह एक प्रकार के फेफड़े का रोग है। BCG का टीका किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन डी क्षय रोग या TB से बचने के लिए इसको लगाया जाता है। बैसिलस कैलमेट गुअरिन BCG का फुल फॉर्म होता है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? ऑप्शन ए तना। आसान प्रश्न है। एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा 22+Y। मनुष्य में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, जिसमें कि 22 जोड़े जो होते हैं 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। 23वीं जोड़ी जो होती है एक्स तथा एक्स मादा में और एक्स तथा वाई नर में पाया जाता है, इसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। एक्स गुणसूत्र पर कई जीन होते हैं जिनमें कुछ अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन वाई गुणसूत्र पर होता है केवल
नरक मतलब नरत्व का ही जिन मौजूद होता है। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? ऑप्शन ए एथिल मरकेप्टन, अगर कोई लीकेज वगैरह हो जाए उससे बचने के लिए, उसका पता चलने के लिए। नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटका बेंगलुरु में। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन डी वर्ष 1904 में। और सहकारिता आंदोलन का जनक माना जाता है एफ निकोलसन, ठीक है निकोलसन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, 5 सितंबर को हर वर्ष। निम्न में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का एक भाग नहीं है, विभाग नहीं है? ऑप्शन डी सैनिक कल्याण विभाग। इस विभाग का नाम है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, बाकी सब सही है। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, 4 विभाग होते हैं रक्षा मंत्रालय, जिसमें कि चौथा है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। सदस्य देश हैं 30, अभी हाल ही में नॉर्थ मैसिडोनिया इसका 30वां सदस्य बना है। तो ये भी एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2019 में ही बना है। और इसके जनरल सेक्रेटरी है जॉन स्टोल्टनबर्ग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन सी क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, पहले थी क्रिस्टिन लेगार्ड, उसके नाम से ही याद रख सकते हैं। राखल लीला नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राखल लीला ऑप्शन डी हो जाएगा, यह असम से संबंधित नृत्य है राखल लीला। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? ऑप्शन बी ओडिसी। मृगनयनी के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है मृगनयनी। ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा। 23 से 25 अगस्त 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई और बहरीन के राजकीय दौरे पर है, उनसे संबंधित 3 कथन दिए गए हैं, कौन कौन सा सही है? ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान मिला, यह भारत से बहरीन का पहला प्रधानमंत्री दौरा था, दौरान यहाँ पर हो गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने रुपे कार्ड लॉन्च किया। 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से जो है सभी कथन सत्य है। और इसके साथ ही यूएई पश्चिम एशिया का पहला देश बन गया जहां पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की भारतीय प्रणाली को अपनाया गया है, रुपए को। भारत इससे पहले सिंगापुर और भूटान में रुपए कार्ड जो है लॉन्च कर चुका है। यूएई की राजकीय यात्रा रही 23 से 24 अगस्त और बहरीन की राजकीय यात्रा 24 से 25 अगस्त 2019 के बीच में रही। 22 से 23 अगस्त 2019 के मध्य पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर है, इस दौरान दोनों देशों के बीच में कितने समझौते हुए? इसका आंसर मैंने दे ही दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 समझौता। 22 अगस्त 2019 को भारत अमेरिका द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा कैलिफोर्निया में। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने किस तिथि तक डिजिटल पेमेंट प्रणाली फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2019 तक। हाल ही में किस भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल ने पेरिस ब्रेस्ट पेरिस साइकिल रेस 2019 लगातार 90 घंटे साइकिल चलाकर पूरी की?
ऑप्शन ए अनिल पुरी। हाल ही में वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2018 के बीच में किस देश से सर्वाधिक बाघ अवशेषों की बरामदगी हुई है? ऑप्शन ए हो जाएगा भारत से, और इसे तैयार किया है ट्रैफिक नामक संस्था के द्वारा WWF और IUCN के सहयोग से। राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 2019 का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के तहत किस वर्ष तक भारत की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करना है? ऑप्शन डी वर्ष 2030 तक। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी सुपर 50 पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जनजातीय विद्यार्थियों के लिए। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? ऑप्शन डी अक्षय कुमार। इस सूची में जो है पहला नाम है अमेरिकी अभिनेता ड्वेन जॉनसन का। उनकी कुल संपत्ति है, मतलब आय है, 89.4 मिलियन डॉलर। 9 दिवसीय आदि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन सी लेह लद्दाख में। हाल ही में स्पोर्ट्स बिजनेस कंपनी स्पोर्ट्स प्रो ने विश्व के 50 सबसे कीमती एथलीटों की सूची में विराट कोहली को कौन सा स्थान दिया है? ऑप्शन बी 15वां स्थान विराट कोहली को मिला है, जबकि पहला स्थान जापान की नाओमी ओसाका को मिला है। आम चुनाव 2019 में भारत में लगभग 1.04% मतदाताओं ने नोटा के लिए मतदान किया। 2.08 नोटा मतदाताओं की संख्या के साथ कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? ऑप्शन सी बिहार। आम चुनाव 2019 के बाद 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में किस संगठन के राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया, उन्हें आमंत्रित किया गया? ऑप्शन सी बिम्स्टेक। इसके अलावा और भी विदेशी मेहमान थे। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं? ऑप्शन बी 5वीं बार। अप्रैल 2019 में 5G नेटवर्क सुविधा की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास 2019 भारत और सिंगापुर के बीच में कहां पर आयोजित हुआ? ऑप्शन ए झांसी उत्तर प्रदेश में। पुस्तक जय प्रकाश तुम लौट आओ किसने लिखी है? किसी बिहार के राइटर ने ही लिखी होगी। ऑप्शन सी ममता मेहरोत्रा। 8 अक्टूबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दृष्टि दोष पर अपनी पहली रिपोर्ट के अनुसार कम से कम पूरे विश्व में कितने लोग दृष्टि दोष या अंधेपन से पीड़ित हैं? ऑप्शन बी 2.2 बिलियन। 25 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया? ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू को। इसके अलावा मुख्य सूचना आयुक्त जो कि पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त है राधा कृष्ण माथुर को नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।